नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में सीजीएल टायर वन में इंग्लिश के पेपर में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। जितने भी सीजीएल टायर वन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे वो मैं आज एक ही वीडियो में लेके आया हूँ, और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम जो भी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या सीपीओ हो, या कोई स्टेट के एचएसएससी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम हो, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो मैंने ये देखा है कि ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में कहे तो, ये मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर से है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, किसी भी चीज को आप स्किप मत कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और जो बचे हुए ऑप्शन है, मैं उनका भी आपको बताऊं कि इनका मीनिंग क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो यानी कि ऐसा आदमी, जीव या पौधा जो नॉर्मल हाइट से उसकी कम हाइट रहती है, तो इसका सही आंसर क्या है? विजार्ड, ड्वार्फ, क्रिएचर, विच। तो इसका सही आंसर होगा ड्वार्फ, मींस बोना। तो इसमें से विजार्ड का मतलब होता है एक तरह से जादूगर, या क्रिएचर मीन्स जीव, और विच मीन्स चुड़ैल। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एबसेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। वैग्रेंट, ट्रुएंट, इटिनरेंट, माइग्रेंट। मतलब जो अपने आप को, एक ऐसा विद्यार्थी जो अपने आप को बिना किसी एक्सक्यूज के या बिना किसी वैलिड रीजन के स्कूल से एबसेंट रखता है, ये होता है ट्रुएंट। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैग्रेंट होता है जो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है और अपना भीख मांग के वैसे ही अपना काम चलाता है। इटिनरेंट मीन्स जो इधर उधर भ्रमणशील होता है, और माइग्रेंट जो प्रवासी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ट्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। तो देखिए, जैसे ऊपर का क्वेश्चन था, एसएससी ने उसी में से एक शब्द लेके ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन वही के वही है, इटिनरेंट, माइग्रेंट, वैग्रेंट, ट्रुएंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर है वैग्रेंट। अगला क्वेश्चन। पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। एलियन, नेटिव, रेजिडेंट, ऑक्यूपेंट। एलियन मीन्स जो मतलब अनजाने, यानी अन्य देश का है एक तरह से। नेटिव उस जगह का एक मूल निवासी, जन्मजात। और रेजिडेंट जो जो कहीं का निवास, जो कहीं भी निवास कर रहा है, उसको हम रेजिडेंट कह देते हैं। ठीक है, और ये ऑक्यूपेंट। तो इसका सही आंसर है नेटिव। तो आप नेटिव और रेजिडेंट में कंफ्यूज मत कर रहना। नेटिव यानी जो जन्मजात या मूल निवासी है, और रेजिडेंट जो कहीं भी जाके, मतलब जो जहीं भी रहने लगता है वो रेजिडेंट हो जाता है। नेक्स्ट। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। मतलब जो मैप्स यानी नक्शा बनाता है या ड्रॉ करता है। ऑप्शंस हैं कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो इसका सही आंसर है कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर होता है जो जिसकी लिखाई अच्छी होती है, जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है। कार्टोग्राफर मैंने आपको बता दिया है, और लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी लिखता है, और कोरियोग्राफर होता है जो डांस के स्टेप्स या मूव्स को कंपोज करता है। ओके, अगला क्वेश्चन। सिलिंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडिल, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल, बियर एटसेट्रा। यानी एक ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर है जो बीच में से बाहर निकला हुआ होता है,
ठीक है, और जो वुडन का बना हुआ, तो वुड का बना होता है, जो ऑयल बियर वगैरह रखने के काम आता है। तो इसका सही आंसर है बैरल। ओके, बिन तो नॉर्मली एक डब्बा होता है, जैसे हम डस्टबिन वगैरह होता है। बसल, बसल एक तरह की एक मापने की इकाई होती है, जिसमें जैसे कुछ ऐसा रहता है कि 1 बसल इक्वल टू 56 पाउंड और 36.4 लीटर के आसपास का कुछ रहता है। और बेल भी एक बहुत बड़ा, एक तरह से लार्ज रैप्ड और बंडल रहता है, जो पेपर या कॉटन का, मतलब उसमें रैप रहता है। नेक्स्ट, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, मतलब एक ऐसे जगह है जहां बर्ड्स को रखा जाता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, एवियरी एपियरी स्टेबल सेंचुरी। सही आंसर है एवियरी। ओके, अब हम जो बचे हुए ऑप्शन उनको देखते हैं। एपियरी क्या होता है? जहां मधुमक्खी को रखा जाता है, यानी बीज को, हनी बीज को रखा जाता है। स्टेबल यानी अस्तबल, जहां घोड़ों को रखा जाता है। और सेंचुरी तो आपने सुना ही होगा, अभयारण्य एक तरह से। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोमस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके जो, जहां उसको दफनाते हैं, उधर एक पत्थर पे कुछ जो लिखा जाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पिलर, एपिटाफ, स्लैब, बेसिलिका। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपने ये, काफी अगर वन वर्ड पढ़े हैं तो ये काफी बार पढ़ा भी होगा। इसका सही आंसर है एपिटाफ। पिलर आप समझते हो एक तरह से खंबा, एपिटाफ मैंने आपको बता दिया है। स्लैब आपको पता है, जैसे कोई भी एक, हम रसोई में या कहीं भी एक बना देते हैं कुछ चीज रखने के लिए। और बैसिला का होता है एक विशाल सभा भवन, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहां सभा वगैरह होती है। ओके, नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी लोग जो सिर्फ एक समय में रहते हैं। ऑप्शन है कॉस्मोपोलिटिन्स, कंपैट्रियट्स, कलीग्स, कंटेम्परेरीज। सही आंसर है कंटेम्परेरीज, यानी कि समकालीन, जो एक समय में रहते हैं। कॉस्मोपोलिटिन होता है जो सभी, पूरे समस्त संसार को अपना मानता है, यानी एक अच्छे उससे देखता है। कंपैट्रियट्स होता है हमवतन, जो एक ही देश के लोग होते हैं। और कलीग्स होते हैं सहकर्मी, जो एक ही कार्यालय में या एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो कलीग्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो आओ, ऑप्शंस है बिब्लियोफाइल, जेनोफाइल, हेमोफाइल, पेडोफाइल। तो सही आंसर है बिब्लियोफाइल। ओके, ये सब कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, यानी कि किसी लेखक या ऑथर के द्वारा एक इमेजिनरी या एक नाम जो किसी और नाम से लिखने लगता है, किसी भी चीज को अपना रियल नाम ना देखे। स्यूडोनिम, होमोनिम्स, एलिबी, एनोनिमस। तो इसका सही आंसर है स्यूडोनिम। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर्स में ही। ठीक है, होमोनिम्स होते हैं भिन्नार्थक, यानी कि जो, जिनकी आवाज तो लगभग सेम होती है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। एलिबी होता है कोई बहाना, जैसे कुछ बहाना बनाते हैं हम। और एनोनिमस होता है गुमनाम, जब कोई हम बिना अपना नाम उजागर के किसी काम को करते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ऑप्शंस है अर्कीव, अर्सनल, एपियरी, एवियरी। तो एपियरी एवियरी हमने पढ़ा था, एपियरी मधुमक्खी को रखने का, एवियरी जहां बर्ड्स रखी जाती है, और एर्सेनल इसका सही आंसर हो जाएगा एर्सेनल। और आर्कीव कहाँ कहाँ है? जहां ऐतिहासिक या पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ओके, तो इसका सही है प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, इसका सही है एर्सेनल। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, जहां फ्रूट्स ट्री को उगाया जाता है। फार्म ऑप्शन सही है, प्लांटेशन, ऑर्कार्ड, ऑर्चर्ड और गार्डन। तो इसका सही आंसर है ऑर्चर्ड। तो ये फार्म्स तो कोई भी एक तरह से फार्म टाइप हो गए, खेत हो गए, प्लांटेशन जहां पौधे उगाते हैं, और गार्डन मतलब कोई बगीचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम्स, जब हम अपने पिछले
जो पास्ट टाइम जो गुजर गया उसमें देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन, सरकमस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। सही आंसर है रिट्रोस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, है ना। सरकमस्पेक्शन यानी कि सावधान रहना, यानी एक तरह से जब हम थोड़ा सा वैरी रहते हैं। रिट्रोस्पेक्शन यानी कि जब हम पीछे की चीजों को टाइम को देखते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि जब हम अपना अंदर के अपनी मेंटल जो इमोशनल हमारी अंदर का प्रोसेस है उसको जब हम देखते हैं, बोलते हैं ना कि अपने गृहबान में जाको, तो वो ये इंट्रोस्पेक्शन है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वह चीज जो सेटिस्फाइड नहीं की जा सकती है। इनक्रेडिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, इनसेचिएबल। तो इसका सही आंसर है इनसेचिएबल। ओके, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य ए, ठीक है। इम्प्रोबेबल मतलब जो नॉट लाइकली टू बी ट्रू, जो मतलब पॉसिबिलिटी के ट्रू नहीं रहेगा। इम्पॉसिबल तो आपको पता ही है, असंभव। ओके, अब नेक्स्ट है अ स्टेज ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विनोक्स, इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम, इक्विलेटरल। तो इसका सही आंसर है इक्विलिब्रियम। आपने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, साइंस में भी ये वर्ड कई बार आता है। ओके, और इक्विनोक्स होता है मतलब वो ये 2 दिन आते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, जैसे मोस्ट लाइकली 22 सितंबर और 20 मार्च के आसपास के ये रहते हैं। इक्विवेलेंट मतलब किसी के इक्वल कोई चीज रहती है, ये आपको पता होगा। इक्विलेटरल आपको पता ही होगा अगर आप सीजीएल ओन की तैयारी कर रहे हो, यानी कि समबाहु। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा आदमी जो नींद में चलता है। ओके, ऑप्शन है ओमनीपोटेंट, सोमनाम्बुलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, पेडेस्ट्रियन। तो इसका सही आंसर है सोमनाम्बुलिस्ट। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली, जो सबसे जहां भी ओमनी आ जाए आगे, तो मतलब वो सर्व मतलब कई चीजों में एक है, जैसे ओमनीपोटेंट है, ये है सर्वशक्तिशाली। ओमनिवोरस हो गया जो हर चीज को, सर्वाहारी जो हर चीज को खाता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया जो परोपकारी होता है, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी चीज जो सुनी नहीं जा सकती है। शायद आप थोड़ा बहुत अंदाजा इसमें देख के लगा देंगे। स्लाइट, हिडन, इनविजिबल, इनऑडिबल। यहां आप देखें इनऑडिबल, ऑडिबल, ऑडियो, ऑडियो से ये ऑडिबल बन गया। इनऑडिबल यानी नहीं सुनी जा सकती है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सही है। ओके, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, हिडन छुपा हुआ, इनविजिबल मतलब अदृश्य जो नहीं दिखता है। अगला, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है इनक्रेडिबल, इनवायलेबल, इनकोरिजिबल और इम्पोसिबल। तो सही, काफी बार ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पिछले एग्जाम्स में आए हुए। इसका सही आंसर है इनकोरिजिबल। इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य। ओके, इनवायलेबल होते हैं अलंघनीय, जिसका मतलब हम उल्लंघन नहीं कर सकते, और इम्पॉसिबल मतलब असंभव। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो जल्दी से थके ना। इनडिफेटिगेबल, इनफ्लेटेबल, इनडिलाइबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो सही आंसर है इनडिफेटिगेबल, क्योंकि फेटिक का मतलब होता है थकान, और ये होगा इनडिफेटिगेबल, उसी से बना है ये, जो नहीं थकता है। ओके, और इनफ्लेटेबल होता है जो हवा वाली वस्तु जिसमें हवा भरते हैं वो होती है। इनडिलाइबल होता है अमिट, स्थायी, यानी कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो मैं आपको इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ साथ जो और ऑप्शंस बचे हैं उनका भी आपको मीनिंग बताता जा रहा हूं, ताकि इनकेस जरूर नहीं कि यही पेपर में आएंगे जो मैं बता रहा हूं। इनकेस अगर ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन ये नॉट ओनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बल्कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, या कहीं आपको क्लोज टेस्ट में जब मीनिंग 4 ऑप्शंस में छांटना होता है, उनके लिए भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको भी ध्यान से सुनते रहिए, ये आपकी वोकैबुलरी पार्ट को काफी अच्छा इंप्रूव करेंगे। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके।
ऑप्शन से अनसीन, एलिजिबल, इलिजिबल, वेग। तो ये सही आंसर है इलिजिबल। अनसीन मतलब जो देखा नहीं गया हो, एलिजिबल यानी जो किसी चीज के योग्य हो, या हमने बताया वेग मतलब जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। नेक्स्ट, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर। ये दोस्तों ये टू अनइम्पोर्टेंट है, इंपोर्टेंट नहीं, ये अनइम्पोर्टेंट है, मतलब वो बहुत कम महत्वपूर्ण किसी चीज को कंसिडर करने के लिए। आंसर है नोटिसिएबल, नथिंग, ट्राइवल, डेमिनेटिव। सही आंसर है ट्राइवल। ओके, नोटिसेबल मतलब जिसको नोटिस किया जा सके, नथिंग मतलब आपको पता है कुछ नहीं और इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो गया ट्राइवल। दैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू ए थिन वायर, मतलब ऐसी चीज जिसको एक तरह से पतली वायर में मतलब बनाया जा सकता है जिसका, तो ये होता है फ्लेक्सीबल, डक्टाइल, ब्रिटल, स्मूथ। तो इसका सही आंसर है डक्टाइल। ओके, फ्लेक्सीबल आपको पता होगा, ऐसी जो फ्लेक्सीबल थोड़ी सी होती है जिसको हम थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं और वो कर सकते हैं, डक्टाइल इसका सही आंसर है। और ब्रिटल मतलब जो बहुत ही नाजुक होता है, स्मूथ जो एक तरह से स्मूथ सॉफ्ट तरह से होता है, प्लेन टाइप होता है। नेक्स्ट, लाइबल टू ब्रेक इजिली, ब्रिटल, सॉफ्ट, बेंट, थिन। अभी मैंने आपको ब्रिटल का वो बताया था, तो इसका भी ब्रिटल मीन्स इसका आंसर सही है ब्रिटल, नाजुक। सॉफ्ट आपको पता ही है, बेंट मतलब जो मुड़ा हुआ होता है, थिन मतलब पतला। नेक्स्ट, अब वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना और अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, सेम इसकी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर ऊपर बताया था, सॉरी ये इनसेचिएबल। ओके, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडल के दबाव को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट, तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। थर्मोमीटर तापमापी, एल्टोमीटर कुछ नहीं होता, एल्टीमीटर होता है, ठीक है, एल्टीमीटर होता है, ये इधर ओ की जगह आई रहेगा, ये रहता है ऊंचाई नापने वाला। बैरोमीटर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर नापने वाला, एमीटर होता है आपका जो फ्लो ऑफ करंट को नापता है। ओके, नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर आपको पता है जो कानून बनाती है, पुलिस आपको पता है एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी होती है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन से ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर, आर्बिट्रेटर, तो इसका आंसर हो गया आर्बिट्रेटर। ओके, ब्रोकर आपको पता है बीच में जो कमीशन लेता है, वैल्यूअर जो किसी चीज की वैल्यू लगाते हैं, एक गवर्नमेंट वैल्यूअर वैसे भी रहते हैं नॉर्मल वैल्यूअर, ऑडिटर जो है ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, सही आंसर है इसका ब्रूड। ओके, तो नेस्ट आपको पता ही होगा, घोंसला, क्लच मतलब एक तरह से कहीं पकड़ जो बनाए रखता है, और ऑफस्प्रिंग होता है संतान, यानी कि ठीक है एक एनिमल की जो यंग बच्चे रहते हैं उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और ये है फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ये होता है ब्रूट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी कि जो हम किसी को कुछ प्रेजेंट एक तरह से एक फ्लावर का एक वो देके कुछ किसी को उपहार देते हैं, वो होता है बुके, रैथ, गार्लैंड, बंडल। इसका सही आंसर है बुके, ठीक है। रैथ भी एक माला होती है राउंड एक सर्कल उसमें, लेकिन ये जब हम कोई आदमी मर जाता है तो उसके उस पर चढ़ाते हैं। गार्लैंड भी माला होती है और ये होती है बंडल, बंडल तो आपको पता ही होगा। ए लार्ज डीप मेटल पोर्ट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, तो इसका सही आंसर है एक तरह से, मैंने इसका सही ये भी लिख दिया, अगर आपने सुना होगा कोल्ड्रोन,
कोल्ड रोल यानी कि आपने सुना होगा डेगची, मैंने इसका ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे, ये होता है डेगची। ओके, ये इसमें ऑप्शन में सिर्फ यही आया हुआ था कोल्ड रोल, ये चीज मैंने आपके लिए लिख दी है, शायद आपने अगर डेगची का नाम सुना होगा तो इससे आप सही जल्दी समझ जाओगे। ओके, बहरहाल मैंने आपको ऊपर बताया है केटल केतली और स्किलेट होती है तवा या कढ़ाई। A large deep pot used both in the oven and as a serving vessel. ये होता है कैसरोल, यानी कि हांडी। ये सॉस पैन तो वो रहता है स्किलेट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया तवा कढ़ाई, और कोल्ड रोल अभी बताया डेगची, तो इसका सही आंसर है कैसरोल। फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कफन और ए ग्रेव। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है इनमें से ये है रैथ, अगर आपने अगर कभी सुना हो तो रैथ लेइंग करते हैं, तो ये माला हो गया, ये बंच मैंने गुच्छा का बुके का अभी बताया, तो इसका सही आंसर है रैथ। रैथ यानी कि जो किसी भी कफन या ग्रेव पर एक सर्कल में फ्लावर वगैरह लगा के उसको प्लेस करते, उसको रखते हैं। टू गिव अप द थ्रोन यानी कि अपने जो सिंहासन है उसको त्याग देना, तो इसका सही आंसर है एबडिकेट। ओके, बिक्वेथ यानी वसीयत, यूजर मतलब हड़प लेना। ओके, कंसाइन मीन्स किस चीज को भेजना, कि जैसे हम कंसाइनमेंट भेजते हैं। जैसे अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कैसा ट्रेड जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है यानी कि इलिसिट। ओके, ए अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य, इल्यूजिव मतलब जो भ्रामक होता है, और इनेप्ट मतलब जो कुशल अकुशल होता है। ओके, नेक्स्ट, वन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, सही आंसर क्या है इसका, फिलिस्टीन। ओके, नेक्स्ट, सोच रहा हूँ आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। वन हु एम्ब्रेसिज वॉलेंटियरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, फैनेटिक मार्टियर पैट्रियट डिप्लोमेट, सही आंसर है इसका मार्टियर यानी कि शहीद। ठीक है, तो फैनेटिक होता है कट्टर, जो कट्टर होता है स्पेशली अपने धर्म के प्रति, पैट्रियट मतलब देशभक्त, और डिप्लोमेट यानी राजदूत। तो आप कभी भी इसमें मार्टियर और पैट्रियट में कंफ्यूज मत होना, मार्टियर मीन शहीद और पैट्रियट मीन्स देशभक्त। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट है, अनपैलेटेबल डिलीशियस एडिबल टेस्टी, तो इसका सही आंसर है एडिबल यानी जो खाने योग्य हो। ओके, अनपैलेटेबल मतलब जो स्वादिष्ट ना हो, डिलीशियस मतलब जो स्वादिष्ट है, और टेस्टी तो आपको पता ही है जो स्वादिष्ट है। और आज का ये बस लास्ट है, ये लास्ट वन वर्ड, सोल राइट टू मिक्स एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब कोई चीज खोज की है, कोई नई चीज इन्वेंशन में जो नई चीज बनाई है उसको बनाने और बेचने का राइट सिर्फ आपके पास ही है, और कोई उस चीज को ना वो करे, तो इसके ऑप्शन है हीयरलूम, कॉपीराइट, इनहेरिटेंस, पेटेंट। तो इसको दोस्तों हम पेटेंट बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि उसने इस चीज का पेटेंट ले लिया उस कंपनी ने। ओके, तो हेयरलूम तो होता है एक तरह से पैतृक संपत्ति, कॉपीराइट होता है कि आपने कभी काफी जगह पढ़ा होगा कॉपीराइट, मतलब इस चीज की कोई कॉपी नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस भी एक तरह से पैतृक धन होता है, उसका सही आंसर है पेटेंट। तो दोस्तों ये थे सीजीएल टायर वन 2018 के सीजीएल टायर वन के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो मैं आपके लिए लेके आया था, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको और भी जो इसमें चार ऑप्शन बचे हुए, तीन ऑप्शंस थे हर उसमें, उनका भी मीनिंग कुछ का बताया है, ताकि आपका वोकैबुलरी पार्ट इम्प्रूव हो। और आप इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।